Hello guys, this is NK Rav from Junior Study Channel. Don't mug up, try to build a personal logical study. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी, आप देख सकते हैं ये RRB कलकत्ता की हम साइट पे चलते हैं, RRB कोलकाता। तो यहाँ पे हमको मिलेगा, देखिए एक रिप्लेसमेंट पैनल आया है, उसको हम लोग देखेंगे। जो भी बच्चे वेटिंग लिस्ट में होते हैं जनरली, जैसे अभी मान लीजिए ALP टेक्नीशियन का जो फॉर्म आया, वैकेंसी आया है, वैसे ही 2015 में वैकेंसी आई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लड़कों को वेटिंग लिस्ट में जो थे लड़के, उनको क्या किया गया था जी, तो वेटिंग जो भी लिस्ट होता है, एक तो प्रोविजनल लिस्ट बनता है, एक वेटिंग लिस्ट बनता है। तो वहीं वेटिंग लिस्ट वाले को क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट पैनल में, यानी प्रोविजनल पैनलिस्ट होता है जिनका कन्फर्म जॉब होता है, और रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट उनको बनता है जो वेटिंग में रहते हैं जी। तो एक ट्रैफिक असिस्टेंट का रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट आया है जो 2015 में हुआ था। चलिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है नोटिस में। ये RRB कोलकाता जोन का है जी, और एक ट्रैफिक असिस्टेंट का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है जी, यहाँ पर कम्युनिटी लिखा हुआ है, और ये पोस्ट कौन सा है जी, तो ट्रैफिक असिस्टेंट है जो ग्रेड 5 में आता है, 5200 से 2020 ग्रेड पे है जी इसका, सॉरी ग्रेड पे 2400 है इसका। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, और ये देखिए आपको 2015 में जो वैकेंसी आई थी, अब 2019 में इसका इनका वेटिंग लिस्ट क्या किया है, कंफर्म किया गया है जी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि 5 लोगों को यहाँ पे कंफर्म हुआ है। इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले भी आपको रिप्लेसमेंट पैनलिस्ट आए हैं 2015 के बाद की जाए तो इसलिए अभी देखा जाए तो अभी जैसे ALP और टेक्नीशियन का या ग्रुप डी का वेटिंग लिस्ट जिनका भी है वो आगे का कंटिन्यू करें, लेकिन उस पर भी ध्यान रखें अपने बी बोर्ड पे कि उनका कौन सा जॉब रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट में कंफर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और उसको विजिट करते रहें साइट, ताकि जब भी नया वैकेंसी आएगा उससे पहले आपको वेटिंग लिस्ट जरूर ही कन्फर्म किया जाएगा। ये हो सकता है कभी 2 साल चले, कभी 4 साल भी चलता है, तो वेटिंग लिस्ट कन्फर्म किया जाता है। अभी जो ALP में, JEE में जाएंगे, NTPC में जाएंगे, ग्रेड 5 ग्रेड 6 के जॉब्स हैं, अगर उसमें जो भी जाएगा तो क्या करेगा जी, ये सब जॉब छोड़ेगा ही, क्योंकि आपको भी पता है ग्रेजुएशन पे जॉब है, यहाँ पे प्लस टू पे जॉब है, 10th लेवल पे जॉब है, ITI पे जॉब है, तो ये लोग छोड़ेंगे। तो ज़्यादातर चांसेस है कि वेटिंग लिस्ट में जो ALP और टेक्नीशियन में है उनका कन्फर्म होगा। तो बस यही बात देना बताना था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब तक अपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच।